हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 4 की सेकंड मूवी द इंटरनल्स के बारे में। हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तो इसमें क्या क्या अपडेट जानने को मिले, देन उसी के साथ बात करेंगे इसकी कास्ट के बारे में, इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, और बात करेंगे LGBT के बारे में। ये क्या है, चीज़ काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन कर रही है। तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। देन आपको बता दूँ, इसमें जो मेन कास्ट है तो वो सारी कैरेक्टर कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, और डिफरेंट टाइप के मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियो फेज 4 के बारे में, जो कि है करीब 2020 से लेकर 2021 तक। इसमें 5 मूवी देखने को मिलेंगी जो कि सिर्फ 2 साल का है। तो सबसे पहले 5 मूवी में से पहली मूवी बता चुका हूँ, ब्लैक विडो, और सेकंड मूवी होगी द इंटरनल्स, जो कि 6 नवंबर 2020 को रिलीज होगी। और इंटरनल्स 2020 में सिर्फ सेकंड मूवी होगी, यानी कि 2020 में हमें 2 मूवी देखने को मिलेंगी। इंटरनल्स की पूरी कास्ट गई थी एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट वीकली के पास, तो इनके सारे इंटरव्यूज हुए और देन सारी कास्ट के बारे में पता चला। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट थी वो थी एंजेला जोली, इनको तो आप जानते होंगे, जो कि थेना का रोल प्ले करने वाली है। ये गोल्डन आर्मर का काफ़ी ज़्यादा लुकिंग वाइज लगने वाली है, मुझे पता है, और एंजेला जोली को मेरे पास पूरा विश्वास भी है, ये समझ लीजिए। फिर अगला कैरेक्टर है रिचर्ड, जो कि इकारी का रोल प्ले कर रहा है। ये मेन सुपर हीरो है इस मूवी में, जी हाँ, इकारी, जी काफ़ी ताकतवर भी है। और देन कुमाल, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं किंगो का, ये एक निंजा टाइप का कैरेक्टर है जो कि लोगों से लड़ेगा, तो ये भी देखने लायक होगा, कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। फिर सेल्मा, जो कि आप पहले से जानते हो, इनके बारे में बता चुका हूँ, और ये रोल प्ले कर रही है जैक का। ये एक मेल कैरेक्टर था पर इसे फीमेल में कन्वर्ट कर दिया है, और ये मार्वल शुरू से करता आ रहा है। फिर ब्रायन, वो रोल प्ले करने वाले हैं फेस्टोस का, जो कि ये कैरेक्टर आपने एक तरीके से थॉर रैग्नारोक टाइप में देखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा लगता है। फिर है डोंग का कैरेक्टर, जो एक चाइनीज एक्टर है, और गिलमैश का रोल प्ले करने वाले हैं, ये भी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। देन उसके बाद अगला कैरेक्टर है लिया का, जो कि स्प्रेड का रोल प्ले करने वाली है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छी होगी। देन बाकी फ्यूचर बताता है क्या होने वाला इनमें। और देन फिर लॉरेन, जो कि रोल प्ले करने वाली है मैकारी का, तो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, ये भी एक मेल कैरेक्टर था जो कि इसे फीमेल में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर इंटरनल्स का ऑफिशियली आर्टवर्क लॉन्च करा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देन इसमें हमें सेलेस्टियल्स नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पूरा तबाह कर दिया था यूनिवर्स आधे से ज़्यादा। अब ये कैरेक्टर सारे आधे से ज़्यादा LGBT यानी कि गे लेस्बियन कैरेक्टर होंगे। अब क्या होती हैं अब ये तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और देन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे तो मैं अपने वीडियो पे और अपने सोशल मीडिया लिंक्स पे जरूर अपलोड करूंगा। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत बांधना। बाय बाय, जा रहा हूँ।